जैक डॉर्सी जो कि ट्विटर के पूर्व सीईओ थे, उन्होंने अपने एक बयान में कुछ ऐसी बात कह दी, उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में कुछ ऐसी बात कह दी है जिसके बाद से भारत में खलबली मच गई है। और उन्होंने शायद कुछ ऐसा नहीं कहा है जो आपने नहीं सुना होगा, कुछ ऐसी बात उन्होंने कह दी है जिसके बाद बड़े बड़े मंत्रियों को आगे आकर सफाई देनी पड़ रही है। अब आखिर ये पूरा मामला क्या है, उसे आज हम इस वीडियो के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका तेज़तर्रार में और मेरा नाम है आफरीन खान। जैक डॉर्सन जो कि ट्विटर के पूर्व सीईओ रह चुके हैं, उन्होंने हाल ही में एक इंटरव्यू में एक बात कह दी जो मैं आपको पढ़कर सुनाती हूँ और उसके बाद आगे की खबर की शुरुआत हम करते हैं। जैक डॉर्सन ने कहा, एक तरह से हमसे कहा गया कि हम भारत में ट्विटर को बंद कर देंगे, आपके कर्मचारियों के घरों पर छापे मार देंगे, जो उन्होंने किया, हम आपके ऑफिस बंद कर देंगे अगर आप हमारी बात नहीं मानेंगे। ये भारत में हो रहा है जो खुद को एक लोकतांत्रिक देश बताता है। ये आपकी स्क्रीन पर भी चल रहा है, आप देख सकते हैं। ये जब से उन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा है इसके बाद से खलबली मच गई है। और शायद ये पहली बार आपने नहीं सुना होगा कि इस वक्त लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है। जो भी व्यक्ति अभिव्यक्ति की आज़ादी का इस्तेमाल करता है उसे या तो जेलों में डाल दिया जाता है या फिर उनका नामोनिशान तक मिटा दिया जाता है। जो भी व्यक्ति सच के लिए आवाज़ उठाता है उसके साथ क्या कुछ सलूक किया जाता है वो आप सबके सामने है। कई पत्रकारों के उदाहरण आपके सामने हैं। हाल ही में एक पत्रकार के साथ अमेठी में स्मृति ईरानी ने क्या कुछ किया वो आपके सामने है। एक पत्रकार को कहा गया कि तुम दैनिक भास्कर के पत्रकार हो तो क्या ज्यादा बनोगे, मेरी जनता का अपमान करोगे तो ये अच्छा नहीं होगा, मैं तुम्हारे मालिक से इसकी शिकायत करूंगा। उसके बाद न्यूज लॉन्ड्री की रिपोर्ट की माने तो उस पत्रकार की नौकरी तक चली गई। लेकिन हैरानी की बात तो ये थी कि दैनिक भास्कर का ये आप ट्वीट देखिए जो कि उन्होंने स्मृति ईरानी को टैग करते हुए लिखा कि ये पत्रकार हमारे यहाँ काम ही नहीं करता। लेकिन न्यूज लॉन्ड्री की माने तो वो पत्रकार उन्हीं के वहां काम करता था। और स्मृति ईरानी ने जब उससे कहा कि तुम्हारे मालिक से बात करूंगी उसके बाद रातों रात उस पत्रकार को बेरोजगार कर दिया। और आपको जानकर ये भी हैरानी होगी कि उस पत्रकार ने तो कुछ पूछा भी नहीं था, उस पत्रकार ने सिर्फ इतना कहा था कि मैडम आप अपनी बाइट दे दीजिए। उसमें ही स्मृति ईरानी इतना ज्यादा बौखला गई कि एक पत्रकार की नौकरी तक खा ली उन्होंने। आप खुद सोचिए कि अब इस देश में अभिव्यक्ति की आजादी का क्या हाल है। अब बात करते हैं वापस इस मामले की। जैसे ही पूर्व सीईओ ने ये सब कुछ कहा है इसके बाद से तमाम मंत्री आगे आ गए हैं, उन मंत्रियों ने भी कई बयान जारी किए हैं, स्क्रीन पर आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आप देखिए कि माननीय गोली मारो ठाकुर, माफ कीजिएगा, माननीय अनुराग ठाकुर ने इस मामले को लेकर अपनी क्या सफाई पेश की है वो आपको पढ़कर सुनाते हैं। अनुराग ठाकुर कहते हैं कि जो कुछ भी उस बयान में कहा गया है, उस इंटरव्यू में कहा गया है, वो सब कुछ झूठ है। ये सब कुछ इतने सालों बाद क्यों कहा जा रहा है, वो पहले सो रहे थे क्या? और जब भी देश में चुनाव आते हैं तो जो बाहर के लोग हैं वो इस तरीके से माहौल को बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। उनका पूरा ट्वीट स्क्रीन पर है, आप अच्छे से इसे देख सकते हैं। इसके बाद क्या था, इसके बाद तमाम मंत्री आगे आ गए, इसके बाद तमाम चैनल्स पर पूरी की पूरी डिबेट आपको देखने को मिल रही है। लेकिन आपको बता दें कि इससे पहले भी ऐसी सेम स्टेटमेंट एक और शख्स ने कही है और वो भी कोई और नहीं है, वो है एलन मस्क जो कि अभी ट्विटर के हालिया सीईओ हैं। उन्होंने भी ये बात कही थी कि भारत में लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है, भारत में अभिव्यक्ति की आज़ादी लगभग खत्म कर दी गई है और ये कितना ज़्यादा शर्मनाक है। भारत एक ऐसा देश है जिसे दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहा जाता है लेकिन आजकल इसमें लोकतंत्र की आज़ादी देखने को ही नहीं मिल रही, आजकल लोकतंत्र का गला घुटता हुआ नज़र आ रहा है। जो पत्रकार आवाज़ उठाए उसकी नौकरी छीन ली जाती है या फिर उसे चैनल से इस्तीफा देना पड़ जाता है, जो व्यक्ति सच बोले उनके अकाउंट्स को डिलीट कर दिया जाता है। और ये बात हम नहीं कह रहे हैं, ये बात खुद ट्विटर के पूर्व सीईओ कह रहे हैं कि कई अकाउंट्स को डिलीट करवाया गया। कहा गया कि अगर कोई भी सच दिखाएगा, यानी कि किसान आंदोलन की बात है, अगर कोई भी उस बारे में सच दिखाएगा तो फिर उनके घर पर छापे मारे जाएंगे, उनके कर्मचारियों को जेल में डाला जाएगा। और उसके बाद क्या था, पूरी जो सरकार इस वक्त सत्ता में है वो बौखला गई और उसके बाद उनके भी जो स्टेटमेंट है वो लगातार आने लग गए हैं। देखिए, जब से ये स्टेटमेंट सामने आया है ट्विटर के पूर्व सीईओ का, उसके बाद सुप्रिया श्रीनेत ने भी आगे आकर एक बड़ा बयान जारी किया है। उनकी वीडियो में उन्होंने क्या कुछ कहा है वो आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले उन्होंने एक ट्वीट करके क्या कुछ लिखा है वो आपको पढ़कर सुनाती हूं। उन्होंने सीधे तौर पर जो लिखा है वो आपकी स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा होगा। उन्होंने लिखा है, अगस्त 2021, राहुल गांधी का ट्विटर हैंडल ब्लॉक किया जाता है, अगले 6 महीने तक उनकी फॉलोअर ग्रोथ लगभग खत्म कर दी जाती है।
तो क्या ट्विटर अकाउंट ब्लॉक करने का काम भी मोदी सरकार के कहने पर किया गया था, ये सवाल उन्होंने उठाया है और इसके लिए उन्होंने एक पूरी वीडियो भी जारी की है। उस वीडियो में सुप्रिया श्रीनेत क्या कहती हैं वो आप सुनिए। लेकिन क्योंकि हम ट्विटर की बात कर रहे हैं, आपके सामने एक आंकड़ा है और इसको भी मैं साझा कर दूंगी आपके साथ। आपको याद होगा अगस्त 2021 राहुल गांधी जी का अकाउंट ट्विटर ने ब्लॉक किया था। उनका कहना था उनकी किसी गाइडलाइन का उल्लंघन हुआ है, जबकि चेहरा विक्टिम का नहीं विक्टिम की फैमिली का था। लेकिन बहरहाल अगस्त 2021 में राहुल गांधी जी का ट्विटर हैंडल ब्लॉक किया जाता है और अगले 6 महीने तक उनका ट्विटर ग्रोथ, उनकी सब्सक्राइबर ग्रोथ, उनकी फॉलोवर ग्रोथ बिल्कुल नगण्य हो जाती है। और जब फरवरी 2022 में वॉल स्ट्रीट जर्नल ये खबर चलाने वाली है कि ट्विटर ने राहुल गांधी जी के अकाउंट को ब्लॉक किया है और उनकी सब्सक्राइबर ग्रोथ ब्लॉक हो गई है और ट्विटर को चिट्ठी लिखी जाती है, तुरंत ये जो शैडो बैन था ये हट जाता है और लगातार उसके बाद सब्सक्राइबर में ग्रोथ आ जाती है। तो मैं आज ये क्यों ना कहूं कि ट्विटर ने ये ब्लॉकिंग, ट्विटर ने ये शैडो ब्लॉकिंग सब्सक्राइबर ग्रोथ पर ब्लॉक करना सरकार के कहने पर किया था और ये जो 6 महीने का बैन था ये सरकार के दबाव में आकर किया गया था, जिससे विपक्ष की सबसे मजबूत आवाज को भी ट्विटर जैसे प्लेटफॉर्म पर ब्लॉक किया जाए। और ये कहानी सिर्फ ट्विटर तक सीमित नहीं है, हम सबको पता है कौन से पेज डिलीट होते हैं, हम सबको पता है किसके पोस्ट डिलीट कराए जाते हैं, फेसबुक से यूट्यूब पर किसको रिस्ट्रिक्शन करा जाता है, ये सर्वविदित है। लेकिन ट्विटर का एक फाउंडिंग सीईओ, फॉर्मर सीईओ अगर ये कह रहा है कि सरकार ने इस कदर दबाव बनाया था कि अगर किसानों को दिखाया गया तो आपके घरों पर छापे पड़ेंगे, ये असलियत है 56 इंच की छाती की। अब आप बताइएगा इस खबर को देखने के बाद कि क्या लगता है आपको, वाकई में इस वक्त देश में लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है या फिर आपको लगता है ये सब कुछ सिर्फ ऐसे ही बोला जा रहा है मुद्दों से भटकाने के लिए। आपकी राय हमारे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, अपनी राय हमारे साथ जरूर साझा करिएगा। आप ये खबर देख रहे हैं तेज़तर्रार पर, मेरा नाम है आफरीन खान, जय हिंद जय भारत। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।